नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे संत धरनीदास जी के। संत परंपरा में धरनी नाम से प्रख्यात धरनीदास जी का जन्म बिहार प्रांत के मांझी ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मांझी गांव सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। धरनीदास जी के परिवार में कृषि का कार्य होता था और वह स्वयं अपने वैराग्य पूर्व जीवन में मांझी ग्राम के जमींदार के यहाँ दीवान थे। मांझी का जमींदार उनकी ईमानदारी एवं निष्ठा के कारण उनका बहुत सम्मान करता था, किंतु वैराग्य भावना उनके संस्कारों में निहित थी। धीरे धीरे अंतर की मौज गहराती गई और वह भाव दशा में तल्लीन होते रहे। एक दिन की घटना विशेष पर उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी और आध्यात्म की ओर रुख कर लिया। घटना इस प्रकार से बताई जाती है कि एक बार उन्होंने बही खाते आदि कागजों के पास रखा पानी बही खाते पर लुढ़का दिया, जिससे बही खाते के अक्षर तो धूमिल हुए ही उनकी कार्य दक्षता में लापरवाही का भी आरोप लगा। जब उनसे पानी फैलने या फैलाने का कारण पूछा गया तो वो चुप रहे। इस स्थिति को देखकर मालिक के मन में संदेह और नाराजगी का होना स्वाभाविक था। संदेह को देखते हुए धरनीदास जी ने अपनी तल्लीन अवस्था में हुए अनुभव को कहकर सुनाया कि वह लोटे के जल से पूरी मंदिर में जगन्नाथ जी के वस्त्रों में लगी आग को बुझा रहे थे। इस बात को काल्पनिक जानकर जमींदार हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी दूर बैठकर तुम कैसे जगन्नाथ जी के वस्त्रों में लगी आग को बुझा रहे हो। कहते हैं कि जमींदार ने उक्त घटना की वास्तविकता जानने के लिए अपने विश्वस्त आदमियों को जगन्नाथपुरी भेजा, जिन्होंने तहकीकात करके आने पर बताया कि अमुक तिथि को सचमुच ठाकुर जी के वस्त्रों में आग लग गई थी, जिसे किसी साधु ने लोटे से जल डालकर बुझाया था। यह जानकर जमींदार क्षमा याचना के लिए धरनीदास जी के घर गया और उनसे पुनः नौकरी करने के लिए प्रार्थना की। धरनीदास जी ने सहज भाव से उन्हें क्षमा तो कर दिया, परंतु पुनः नौकरी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। धरनीदास जी के जीवन से जुड़ी उक्त घटना के अतिरिक्त अन्य कई चमत्कारिक घटनाएं भी हैं, जो प्रायः साधु संतों के प्रभाव के साथ जुड़ जाती हैं अथवा जोड़ दी जाती हैं। जैसे एक बार कुछ चोर चोरी करने से पहले बाबा धरनीदास से भक्ति के पद सुनने आए, उसके बाद वे चोरी करने गए। कहते हैं कि जिस घर में वे चोरी करने गए थे उसका सामान चुरा कर इकट्ठा करने के बाद उन सब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्हें वहां से निकल भागने का कोई रास्ता नहीं सूझा। प्रातःकाल जब बाबा को पता लगा तो उन्होंने अपने शिष्य सदानंद को उन्हें छुड़वाने के लिए भेजा। बाबा के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अपने काम पर पश्चाताप करते हुए उन सब ने महात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भविष्य में कभी चोरी ना करने की कसम खाई। इसी प्रकार एक बार कुछ साधु बाबा की कुटिया पर आए। बाबा ने सत्कार पूर्वक सबके भोजन का प्रबंध किया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वे सब बोले, तुम जाति के कायस्थ हो, तुमने अभी तक द्वारकाधीश की छाप लगवाकर अपने को शुद्ध नहीं किया, अतः तुम्हारे भोजन से हम ठाकुर जी का भोग कैसे लगा सकते हैं, और बिना भोग लगाए हम भी भोजन नहीं कर सकते। बाबा के बहुत कहने पर भी वे नहीं माने। तब बाबा तनिक देर के लिए अपनी कुटिया में गए और जब वे कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने अपनी बाह पर लगी हुई द्वारकाधीश की छाप सभी साधुओं को दिखाई। इसको देखकर सभी विस्मित एवं लज्जित हुए। इसी प्रकार उनके देह त्याग के समय की एक घटना प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उन्हें जब यह आभास हो गया कि उनका अंतिम समय निकट है तो उन्होंने अपने शिष्यों से विदा ली और सरयू गंगा के संगम पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने धारा को प्रणाम किया और फिर वह जल के ऊपर अपनी चादर बिछाकर उस पर आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी दूर तक तो वह धारा में प्रवाहित होते हुए दिखाई दिए। बाद में दर्शकों ने देखा
कि एक अग्निपुंज दूर से दूर तक होता हुआ धारा में समाहित हो गया है। धरनीदास जी का विश्वास था कि परम समाज अथवा परम प्रभु ही व्यक्ति का परम मूल्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए चेतना को शब्द ब्रह्म पर आरूढ़ करना अथवा किए रखना मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए मन की शक्तियों को केंद्रित करके जिस जीवन गति का अनुभव होता है, उससे व्यक्ति की मानसिक संकीर्णता स्वतः टूट जाती है और अनायास चेतना को जिस व्यापक समता का अनुभव होता है, वह लोक मंगल के लिए निरंतर कार्य करती है। इसके लिए व्यक्ति को एक ओर तो निज शब्द की पहचान अपेक्षित है, तो दूसरी ओर शब्द मार्गी संत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानना भी जरूरी है। भक्ति साधना में लोक मंगल की भावना सदा छुपी रहती है, क्योंकि भक्ति भाव कहीं भी कभी भी समाज निरपेक्ष नहीं हुआ। भक्ति में निजी विरह ही पर पीर बनकर उमड़ती है। समाज के परिपेक्ष में इसी को दर्द या पीड़ा कहा जाता है। यह पीड़ा ही संतों में लोक करुणा बनकर अभिव्यक्त होती है। यह दर्द या लोक करुणा संत काव्य की अन्यतम कसौटी है। कुछ ऐसे थे बाबा धरनीदास। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धाश्रम से आई हुई गुप्त रहस्यमय एवं शक्तिशाली साधना, जिसे कि महातंत्र योग भी कहते हैं, इस साधना को हम आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह साधना महावतार बाबा जी द्वारा संतों को दी गई, जिन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाया। यह तंत्र योग की एक शक्तिशाली साधना है, और यदि आप इस साधना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो पहले हमारे चैनल आयाम इंडिया पर इससे जुड़े हुए वीडियोस, जिनके शीर्षक हैं अजपा जप पार्ट टू, जर्नी टू अननोन या अज्ञात की यात्रा, और अजपा जप से जुड़े हुए साधकों के अनुभवों पर जो वीडियोस हैं वो देखें। तत्पश्चात यदि आप इस साधना में रुचि रखते हैं और सिद्धाश्रम के रहस्यमय आश्रम की ये गुप्त एवं शक्तिशाली साधना में दीक्षित होना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। धन्यवाद।